अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिफरेंट और इजी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि नॉर्मल चिकन कढ़ाई हम बना रहे होते हैं आजकल घर में, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसका जो फ्लेवर है वो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसे चिकन कढ़ाई का होगा। तो चलिए हम इस रेसिपी को शुरू करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। सबसे पहले मैंने 1 केजी चिकन ले ली है, इसको धो के अच्छे से ड्राई कर लेना है। 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट और 1 टीस्पून गार्लिक पेस्ट डालेंगे। 2 टीस्पून मेरे पास सिरका है, जो नॉर्मल वाइट सिरका आता है वो इसमें डाल देंगे। नमक है 1 टीस्पून और 1/2 टीस्पून येलो फूड कलर है। नमक आप अपनी मर्ज़ी से ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से हमने मिक्स कर लेना है और इसको हमने 30 मिनट के लिए रख देना है। अब मैंने 1 कप दही ली है, इसमें मैं 1 टीस्पून ज़ीरा डालूंगी, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर और 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर। आप सारे स्पाइसेस को अपनी मर्ज़ी से जो है वो ज़्यादा कर सकते हैं। मैं ज़्यादा स्पाइसेस नहीं ऐड करती, मैं थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखती हूँ। तो ये दही का मिक्सचर रेडी हो चुका है और इसको हम बाद में यूज़ करेंगे। सबसे पहले एक कढ़ाई में हमने 1/2 कप ऑयल ले लेना है। थोड़ा सा ज़्यादा ऑयल लेंगे, बाद में हम निकाल भी सकते हैं इसको। अब ये चिकन हमने मैरिनेट की है वो हम इस ऑयल में ऐड कर देंगे और हमने इसको मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तकरीबन हम इसको 10 मिनट तक फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो थोड़ा सा लाइट ब्राउन हो जाए और ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। जितना भी मसाला है मैरिनेशन का वो बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो अभी हम साइड चेंज करेंगे, एक साइड से कलर आना शुरू हो गया है तो अब हम इसकी साइड जो है वो चेंज करके कलर देंगे। तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं, चिकन का जो मसाला था मैरिनेशन का वो बिल्कुल ड्राई हो गया और चिकन जो है अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी है। अब 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने ब्लेंड कर लिया था, थोड़ा सा पानी डाल के ये डाल देंगे इसके अंदर। इसको 2 से 3 मिनट तक हमने जो है वो भुनाई करनी है ताकि अच्छा सा जो है वो एक मसाला बन जाए। या आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे तरीके से जो है ये मसाला जो था वो भुन गया। बिल्कुल हमने जो है वो टमाटर को ड्राई कर लेना है, जो उसका पेस्ट हमने बनाया था। अब जो दही का मिक्सचर हमने बनाया था स्पाइसेस डाल के वो हम इसमें ऐड करेंगे। अब तकरीबन हमने इसको 10 से 15 मिनट पे जो है वो कवर करके पकाना है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इस स्टेज पे मैं थोड़ा सा ऑयल इसमें से निकाल रही हूँ, जितना आपको मर्ज़ी हो आप अपनी मर्ज़ी से निकाल सकते हैं। इतना ऑयल मैंने रहने दिया है। हमारी चिकन प्रॉपरली कुक हो चुकी है और हमारी कढ़ाई जो है वो रेडी हो गई है। मसाला भी आप देख सकते हैं, एंड में मैं इसके ऊपर जो है वो हरा धनिया काट के डालूंगी और हरी मिर्च। अब एक छोटा सा फॉइल का हम पीस रखेंगे कोयले का धुआं देने के लिए। गरम कोयला रख रही हूँ और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर ऑयल डाल दूंगी और इसे हमने कवर करके तकरीबन 2 से 3 मिनट तक कोयले का धुआं देना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, अब हम कोयला जो है वो रिमूव कर देंगे और हमारी चिकन कढ़ाई रेडी हो गई है। बहुत जल्दी ये बनती है और टेस्ट में बहुत अच्छी होती है। तो अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। थैंक यू।